जी आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के न बोले प्लीज, बीच में इस तरह से आपस प्लीज कट कर आपस में बात कर रहे हैं कहने के लिए। 15 साल में तो हम है थे ही, अगले 5 साल में हड़ताल नहीं पड़ती थी। आप पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करने के कारण ये हड़तालों की संख्या बढ़ी है। और मैं कहना चाहूंगा मान्यवर कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और चौथा कारण भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से। संजय जी आपको चेयर से अनुमति दी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। आप क्यों बोल रहे हैं प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के चेयर से ना बोले प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी स्वाभाविक है उनका विरोध, और मैं भी अपेक्षा करता हूं ऐसा ही होगा, करना भी चाहिए उनको। परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा, और मेरा इनसे विनंती है कि वो भी जवाब में बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया है। मैं आंकड़ों के साथ इस सदन के पटल पर रखूंगा, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य से अगर राज्य की सरकारें स्थानीय निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो ना पंचायती राज सफल होगा, ना अर्बन डेवलपमेंट के सारे निकाय सफल होंगे। माने इसको राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर जिसका जो अधिकार बनता है वो देना पड़ेगा। हम भी कई सारे राज्यों में सत्ता में हैं, कई सारे राज्यों में अलग विचारधारा की अलग पार्टी की नीचे सत्ता है, कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, कई जिला पंचायत में, कई म्यूनिसिपालिटी में, कहीं पर भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं देखा है। मान्यवर मैं 16 साल की आयु से सार्वजनिक जीवन में, ढेर सारे आंकड़े मैंने भी स्टडी किए हैं, मगर मैं जब आंकड़े बताऊंगा मैं चाहता हूं कि जिसको भी उस पर ऑब्जेक्शन हो मेरे स्टेटमेंट पर, वो सभी ने वास्तविकता सदन के पटल पर रखनी चाहिए। और इसके कारण लगभग 250 से ज्यादा बड़ी हड़तालें हुई है मान्यवर, 250 से ज्यादा। इसके पहले के 10 साल ले लेते हैं तो 2 बड़ी हड़तालें। क्यों, क्या हो गया? 10 साल के 2 अंतराल में कहां 2 हड़तालें और कहां 250 हड़तालें, क्या हुआ है? प्लीज प्लीज मान्यवर, मगर 15 साल से राज्य सरकार हमारी नहीं थी, ये 10 साल से ही प्रॉब्लम हुआ है। आप समझिए आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। आप बिना अनुमति के ना बोले प्लीज, बीच में इस तरह से आपस प्लीज कट कर आपस में बात कर रहे हैं कहने के लिए। 15 साल में तो हम है थे ही, अगले 5 साल में हड़ताल नहीं पड़ती थी। आप पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करने के कारण ये हड़तालों की संख्या बढ़ी है। प्लीज 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 मैंने संजय आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। मान्यवर बिना चेयर के अनुमति के ना बोले प्लीज। हो हल्ले से प्लीज 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 बैठ बैठ नहीं आलो प्लीज 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 कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी। प्लीज कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी। प्लीज 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 माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी प्लीज। मान्यवर आलोचना करने के लिए तो गृह होता है, आलोचना का अधिकार जिनका इतना है उतना ही मेरा है। मैं कर सकता हूं, आप जवाब भी दे सकते हैं, मगर बीच में टोका टोकी से नहीं दे सकते। प्लीज आपकी पार्टी को जो समय मिला है उसमें तथ्यों के साथ बताइएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा और मैं बाध्य हूं उसका जवाब देने के लिए। मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववर्त स्थिति बहाल की जाए।
इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। बहुत सारे सदस्यों ने संशोधन भी रखे, मैंने ध्यान से पढ़े हैं, मैं इसका डिटेल जवाब भी बाद में दूंगा, मगर पहले एक बार मेरा सभी से अपील है कि पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर सभी लोग मेरिट्स में चर्चा करें। हमारे खिलाफ भी आप जरूर बोल सकते हैं, आराम से बोलिए, कोई चिंता का विषय नहीं, और मैं हर बात का जवाब भी दूंगा, परंतु बाद में मेरा जवाब भी सुनना चाहिए। धन्यवाद।